नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहां पहुंचने पर वो सबसे पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो केदारनाथ धाम में बने गुफाओं में समय व्यतीत कर सकते हैं, जहां एक और पीएम के आगमन को लेकर देवस्थानम बोर्ड और शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं तीर्थ पुरोहित समाज पीएम के आगमन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है, जबकि तीर्थ पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन पर स्वागत के साथ ही विरोध भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है, जहां पर वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जहां प्रशासन देवस्थानम बोर्ड तैयारियों में पीएम के आगमन की लगा हुआ है, वहीं तीर्थ पुरोहित जो है पीएम के आगमन पर विरोध जताने की जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहित समाज पीएम के आगमन को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में दर्शन के लिए आ रहे हैं और आपका केदारनाथ में स्वागत है। दूसरी ओर चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तीर्थ पुरोहित एक उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। वहीं आपसे आशा है आप केदारनाथ से देवस्थानम बोर्ड भंग की घोषणा करें और केदारनाथ में जो आप पूजा करते हैं उसकी जो लाइट बाहर दिखती है उसमें भी तीर्थ पुरोहितों का एक बड़ा आक्रोश है और वहाँ पर आप एक सामाजिक मंच लगाएं और राजनीति मंच केदारनाथ में नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। लगभग 2 वर्षों से तीर्थ पुरोहित हकोधारी का चारों धामों में आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, जो क्योंकि सरकार ने ये काला कानून जो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया, जो विधेयक कानून लागू किया, उसके खिलाफ लगातार तीर्थ पुरोहित लोग आंदोलित हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 30 अक्टूबर तक का समय दिया था कि हम 30 अक्टूबर तक को इस विधेयक को वापस लेंगे, इसको भंग करेंगे, और 30 अक्टूबर पूरी हो गई। उसी क्रम में आपने केदारनाथ में देखा तीर्थ पुरोहितों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आपने देखा कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड का कैबिनेट में इसको कानून बनवाया। ये 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री केदारनाथ धाम का जो दौरा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है उसको एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता से अपने दृष्टिपत्र में जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे राज्य की जनता के सामने वो खरे नहीं उतरे और ना ही अपने वादों को उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। बाबा केदार को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता अब देवों के देव महादेव की शरण पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंजाब में प्रदेश संगठन और सरकार के बीच मचे घमासान के बीच अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य दिग्गज केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को थाम कर एकजुटता दिखाने की कोशिश के राजनीतिक निहार्थ भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नेताओं के केदारनाथ दर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में कई दिग्गज नेताओं का केदारनाथ जाना लगातार बना हुआ है। ऐसे में आज आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू वहां के अध्यक्ष दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर हरीश रावत से भी उन्होंने मुलाकात की। और ऐसे में इस पूरे इन दौरे को लगातार सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें आज चन्नी और सिद्धू केदारनाथ धाम पहुंचे केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। ऐसे में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य जवालकर ने विशेष संक्षिप्ति के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 के हिसाब से राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 70 लाख से ज्यादा है। प्रदेश में कुल 11,647 बूथ बनाए गए हैं और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटरों को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। तो ऐसे में विशेष संक्षिप्त जानकारी जो है वो साझा की गई है। निर्वाचन आयोग की तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पूरी तरह से तेज होती हुई नजर आ रही है। एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग आ चुका है और ऐसे में कुल संख्या मतदाताओं की राज्य में बताई गई है कि 70 लाख से ज्यादा है। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटरों को ऑनलाइन सुविधा की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक हम लोग उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले लेंगे। इसके लिए जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/1/2022 है। अभी तक 1/1/2021 तक कर रहे थे, अभी 1/1/2022 के अनुसार जो 18 साल तब तक हो जाएंगे उनका सभी का हम एप्लीकेशंस अभी विद फॉर 1 मंथ ले लेंगे, नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। चमोली के थराली नगर पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थराली मुख्य बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत थराली में आजादी के इतने सालों बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए थराली से पूर्व विधायक मगन लाल शाह के कार्यकाल में भेटा के लिए बाजार से 800 मीटर सड़क की स्वीकृति के लिए 42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यहां सड़क निर्माण का काम शुरू ना हो पाने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए तहसील मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। तो थराली की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से दी गई है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सड़क के लिए आंदोलन की राह पर अब ग्रामीण है और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है क्योंकि अभी तक इनके इलाके में इनके क्षेत्र में सड़क नहीं है, जिसकी वजह से इनमें गुस्सा है और गुस्सा अब विरोध प्रदर्शन में बदल चुका है। साथ ही विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी ग्रामीणों की तरफ से चेतावनी दी गई है। अभी भेटा के ग्रामीणों के द्वारा मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। इन जो ज्ञापन है, ज्ञापन सड़क के संबंध में है, जिस संबंध में पूर्व में बताया जा रहा है कि भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट उसमें है, भूवैज्ञानिक के द्वारा उसे अनुपयुक्त बताया गया है। तो इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर परेशानी सर्वप्रथम हमारे मोटर मार्ग से संबंधित परेशानी है, जिसे हम वर्षों से मांग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोग पूर्व में भी कई बार इस भेटा मोटर मार्ग को लेकर पूर्व में भी कई बार मांगे की गई, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा हम हर समय कुछ न कुछ बहानेबाजी करके टाल मटोल करके हमारे मोटर मार्ग की अनदेखी की गई। उसे भेटा ग्रामीणों की मांग है कि वहाँ पर सड़क आए। आज जब सरकार उसके लिए जीओ पास कर चुकी है और पैसा उसमें डाल चुकी है, तब भी 4 साल होने को हैं, अब तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। कितनी सरकारें आई गई गांव वाले एहसास में कि आज रोड आएगी कल रोड आएगी, लेकिन कभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। रोड के लिए आज भी सारे लोग परेशान हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बीमार लोग, स्कूली बच्चे, सभी की परेशानी बनी हुई है रोड। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बेटा ये थराली विकासखंड का मुख्यालय है थराली, और उस थराली नगर पंचायत का प्रमुख गांव है बेटा, और आज सड़क सुविधा से महरूम है।
और आसैनी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, दशकों से मांग चल रही है सड़क से जुड़ने की, किंतु अब तक मतलब इस ओर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनेशपुर के सिक्स सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने दीपावली त्यौहार से संबंधित कई स्टॉल दीपावली मेले में लगाए। वहीं सभी छात्र छात्राओं ने दीपावली पर्व पर एक दूसरे को बधाई भी दी। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर सीमा अरोड़ा ने कहा कि दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, मेले का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में त्यौहारों के प्रति रुझान लाना है। तो तस्वीरें देख सकते हैं हम दिनेशपुर की, जहाँ पर कॉलेज में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है और ऐसे में वहां पर स्टॉल भी लगाई गई कई तरह की, बच्चों में त्योहारों के प्रति रुझान लाना इस मेले का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो भारी संख्या में बच्चों ने इस मेले में हिस्सा भी लिया, कई तरह की बच्चों की तरफ से स्टॉल भी लगाई गई और ऐसे में इस कार्यक्रम का, इस मेले का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में त्योहारों के प्रति रुझान आए, इसीलिए इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। दिवाली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में दिवाली मेले का आयोजन किया जाता है, हर साल ये आयोजन किया जाता है। और दिवाली जैसा कि हम सब जानते हैं हर्ष और उल्लास का त्यौहार है और इसमें पूरे दिल से सब लोग दिवाली मेले में भाग लेते हैं। आज दिवाली के अवसर पर सिक्स सिग्मा कॉलेज ने इस दिवाली मेले का आयोजन किया है। इस मेले का आयोजन का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आजकल जो लोग मोबाइलों में व्यस्त हो गए हैं वो अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपने त्योहारों को भूल गए हैं। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा आज बच्चों ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है और अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, ये उनके अंदर के टैलेंट को उजागर करने में सहयोग करता है। नैनीताल में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को नैनीताल में तो मनाया ही जाएगा, वहीं आने वाले 10 नवंबर को हल्द्वानी में विशेष राज्य स्थापना दिवस आयोजित किया जाएगा। मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण सभागार में विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मंडलायुक्त ने नैनीताल के अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। आयुक्त ने कहा कि आपदा आने से नैनीताल और मंडल में काफी क्षति हुई है, तो ऐसे में 10 नवंबर को विशेष राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा नैनीताल में। उसके बाद ये अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 10 नवंबर को विशेष राज्य स्थापना हल्द्वानी में किया जाएगा और इसके लिए मनाने के लिए बैठक भी की गई और बैठक में सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। बैठक में इस तरह की रणनीति बनाई गई, चर्चा हुई कि किस तरह से 10 तारीख का कार्यक्रम किया जाना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद मंडलायुक्त ने नैनीताल के अधिकारियों के साथ वहाँ का निरीक्षण भी किया और ऐसे में आपदा आने की वजह से जिन इलाकों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी उन इलाकों का दौरा भी उन्होंने किया। अभी हम लोगों ने पहले बैठक की थी अधिकारियों की, उसके बाद स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। इससे दो बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है। पहले तो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं 9 नवंबर को यहाँ होना नैनीताल में, 10 नवंबर को उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। नैनीताल के बाजारों में धनतेरस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जहां स्थानीय लोगों के अलावा कुछ पर्यटकों ने भी बाजार में चहलकदमी की। वहीं बाजार में लोगों में कोरोना का कोई भय नहीं दिखा। बाजार में बर्तनों के अलावा कैलेंडर, बताशे, खिलौने और आकर्षक मालाओं समेत मोमबत्ती, दिए साथ ही मिठाई की दुकानों में भी भारी भीड़ दिखाई थी। तो तस्वीरें देख सकते हैं आपके नैनीताल के बाजारों के, किस तरह से धनतेरस के दिन बाजारों में रौनक देखने के लिए मिली और लोग भारी
संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए। अपने अपने घरों के लिए सामान खरीदने के लिए लोग पहुंचे थे और मिठाई की दुकान पर, दीयों की दुकान पर, मोमबत्तियों की दुकान पर, बर्तनों की दुकान पर विशेषकर सबसे ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, क्योंकि धनतेरस के दिन काफी ज्यादा ये मान्यता है कि बर्तन खरीदने काफी शुभ माने जाते हैं और ऐसे में सोने चांदी के सिक्के खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ होता है और इसीलिए ये रौनक नैनीताल में देखने के लिए मिली। पिछले काफी 2 सालों से कोरोना की वजह से वो रौनक नहीं नजर आ रही थी त्योहारों में, तो इस वजह से जब कोरोना के मामले इस बार कम हुए हैं तो एक बार से फिर से वही रौनक बाजारों में लौट आई है, क्योंकि लोगों की भारी संख्या बाजारों में पहुंच रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भगवान भैरवनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले मंगलवार और शनिवार को कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ मंदिर में भोले बाबा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसके बाद केदारनाथ के पुजारी तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों के साथ केदारपुरी की पहाड़ी पर बसे भैरवनाथ मंदिर पहुंचे, जहां भैरवनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे में भैरवनाथ मंदिर में पुजारी ने दूध और घी से अभिषेक किया। वहीं वेद पाठियों की तरफ से वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के साथ भगवान भैरवनाथ के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो केदारनाथ से पहले आपको बता दें के पूजे जाते हैं भगवान भैरवनाथ और ऐसे में अब शीतकालीन के लिए उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं और कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा अर्चना रखी गई थी, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई और ऐसे में अब कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। धनतेरस के मौके पर चमोली के सारे बाजारों में दीपावली की धूम रही। लोग सुबह से ही बाजार में सामान खरीदते हुए नजर आए। बाजार में भीड़ भाड़ से व्यापारियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। ऐसे में कोरोना काल की वजह से बाजार में ग्राहक ना होने से व्यापारी पिछले काफी समय से मायूस थे, लेकिन दीपावली के चलते बाजार में ग्राहकों की भीड़ होने से व्यापारियों में भी खुशी देखी जा रही है। हालांकि इस बार लोग पटाखे कम मात्रा में खरीद रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए लोग ज्यादा सतर्क इस बार दिखाई दे रहे हैं। धनतेरस के दिन बाजार में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। जगह जगह पर पुलिस के जवानों की गाड़ियां भी मौजूद रही। तो चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं आप धनतेरस के मौके पर बाजारों में किस तरह की रौनक देखने के लिए मिल रही है। पूरे देश में इस समय दिवाली की धूम देखने को मिल रही है और धनतेरस पर चमोली में किस तरह से लोगों की भारी संख्या बाजारों में उमड़ी, ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है और इससे व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि कोरोना की वजह से बाजारों में उतनी भीड़ नहीं पहुँच रही थी, लेकिन दिवाली के त्यौहार ने एक बार फिर से बाजारों की रौनक और ज़्यादा बढ़ा दी है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, एक मैसेज ये भी है कि कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोगों को डरना पड़े, पर ऐसा है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, पर इसको भी कोरोना के मामले को देखते हुए और अपने त्यौहार का उत्साह मनाने के लिए आए हैं। आज धनतेरस का त्यौहार है और काफ़ी भीड़ है मार्केट में और काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में बुधवार से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कलम से पहला हस्ताक्षर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए किया जाएगा। तो लगातार आपको बता दें उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। जेल भरो आंदोलन का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के तौर पर
करनाल कोठियाल ने ये ऐलान किया है कि जेल भरो आंदोलन बुधवार से किया जाएगा और ऐसे में उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कलम से पहला हस्ताक्षर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए ही किया जाएगा। उत्तरकाशी के पुरोला में मोरी ब्लॉक के सिरगा गांव में पूर्ति तोक में आग लगने से करीब 4 मकान जल गए। इस अग्निकांड में घरों का सामान भी जलकर नष्ट हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार पानी की व्यवस्था गाँव से आधा किलोमीटर दूर होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से आग की चपेट में पूरा सामान आ गया, जो घरों में रखा सामान था, और ऐसे में आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। 4 मकानों में भीषण आग लग गई। हालांकि आग बुझाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी वो इसलिए क्योंकि पानी की व्यवस्था गांव से आधा किलोमीटर दूर थी और ऐसे में इस वजह से जब तक आग बुझाने की कोशिश पूरी तरह से की गई तब तक घरों में रखा पूरा सामान जल कर राख हो चुका था। उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालय राज्यों में हिमाचल के बाद दूसरे स्थान पर है। ये खुलासा रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सपोर्ट से हुआ है। उत्तराखंड में साल 2019 के दौरान 6% मृत्यु दर दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की मृत्यु दर शहरी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में 6.4% मृत्यु दर रही, जबकि शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर 5.1% है। वहीं प्राकृतिक मौतों के मामले में भी सबसे ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि प्राकृतिक मृत्यु दर 11% आकी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 11.1% और शहरी क्षेत्रों में 10.9% रही। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी राज्य हिमाचल की मृत्यु दर 6.9% है, जो उत्तराखंड से 0.9% ज्यादा है। वहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर पर ज्यादा रही है। बाकी हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा में उत्तराखंड की तुलना में कम मृत्यु दर रही है। इसके अलावा जन्म दर के मामले में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी हिमालय राज्यों में तुलना में 17.1% की दर के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आता है। रुड़की में कोरोना के बाद इस बार दीपावली पर व्यापारियों के चेहरे की रौनक वापस लौट आई है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर जहां पिछली बार कोरोना की वजह से बाजार बंद रहे थे, वहीं इस बार दीपावली को लेकर बाजारों में दुकानें तो सजी ही हुई हैं, साथ ही में रौनक भी काफी देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी दिनों बाद लौटी रौनक से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों की रौनक देख कर लगने लगा है कि अब दीपावली आ गई है और उनकी भी इस साल दीपावली अच्छी तरह से मन सकेगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर तरह की दुकानें सजी हुई हैं और उन पर ग्राहक भी काफी बड़ी तादाद में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। वहीं नेहरू स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानें भी लगाई गई हैं, जिन पर लोगों की बड़ी तादाद में खरीदारी करने वो पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये आपकी वजह से ही बाजारों की लोगों की लेटी लोटी है। आपके माध्यम से जो खबर लोगों के बीच में आती है उससे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ये जो आज बाजार के अंदर भी रौनक आ रही है, ये केवल लोगों का एक बार को जो है कोरोना का भय उनके मन से जाना, उन्होंने कोरोना काल में इतनी विपत्ति देखी है, अपने को मरते हुए देखा है और उस चीज़ से वो लोग बाहर निकल कर इस दिवाली के पर्व को इतना इंजॉय करके बनाना चाहते हैं कि जो पिछला गम है वो जो है इस दिवाली में भूल जाए। दीपावली पे अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ भी है, कस्टमर भी आ रहे हैं और जैसे कि दीपावली की रौनक या बाजार में रौनक दिखाई दी, लगता है कोई त्यौहार आया है,
पंद्रह दो साल से तो हम ग्राहक की शक्ल देखने के लिए तरस रहे थे और अब जाके हमें महसूस हुआ है कि कोरोना खत्म हो चुका है और बाजार में खुशहाली है, बाजार में भीड़ है। मौजूद है रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर, जहां पर दीपावली पर पटाखा बाजार लगाया जाता है। अगर बात करें पिछले दो साल की, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए व्यापारी लोग जो थे बहुत निराश थे, और इस बार दिवाली की बात की जाए तो व्यापारियों में बहुत काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, कस्टमर भी काफ़ी आ रहे हैं। और वहीं व्यापारियों का कहना भी है कि इस बार असली दिवाली मनाई जाएगी और पिछले दो साल से कहीं ज़्यादा अभी कस्टमर यहाँ पर आएंगे, और हमें लगता है कि हम व्यापारी है और अब हमारा माल यहाँ से निकलेगा भी। और अब देखने वाली बात होगी कि दिवाली को किस तरीके से लोग मनाते हैं और किस तरह दिवाली अब की बार मनाई जाती है। ये पिछले दो सालों से लगातार कोरोना चल रहा था, उसको देखते हुए अब की बार दीपावली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। मैं शहजाद राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, रुड़की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।